मुंबई दिंडोशी पुलिस ने सिक्योरिटी सुपरवाइजर की पोस्ट पर नौकरी देने के नाम पर 1,500 से ज्यादा लोगों को लाखों का चूना लगाने वाले कंपनी के मैनेजर एक महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया है। आरोपी मलाड रेलवे स्टेशन के पास नेशनल सिक्योरिटी के नाम से सिक्योरिटी कंपनी की बोगस ऑफिस खोलकर लोगों को फंसाने का काम करते थे। दरअसल मलाड पूर्व दिंडोशी पुलिस स्टेशन में एक शख्स ने शिकायत की थी कि मलाड स्टेशन के पास नेशनल सिक्योरिटी कंपनी का दफ्तर खुला था। पीड़ित व्यक्ति उस कंपनी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर के पद के लिए आवेदन किया था। कंपनी की तरफ से आरोपियों ने उसे एक फॉर्म भरवाकर यूनिफॉर्म के नाम पर कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये लिए थे। पैसा भरने के बाद पीड़ित व्यक्ति को नौकरी ज्वाइन करने की तारीख अगले महीने की देते थे। ऐसे ही कंपनी के मैनेजर रोजाना करीब 40 लोगों को सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के पद पर काम दिलाने के नाम पर 2,500 रुपये लेते थे। करीब 3 महीने तक ये बोगस दफ्तर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर चलता रहा। तब तक ये लोग करीब 1,500 से ज़्यादा लोगों को चूना लगाने में सफल हो गए थे। दोनों आरोपी दफ्तर बंद करके गायब हो गए। पुलिस स्टेशन के एरिया में प्रगति शॉपिंग सेंटर माला स्टेशन पे नेशनल सिक्योरिटी नाम का एक ऑफिस चालू किया था सिक्योरिटी सुपरवाइजर भर्ती के लिए। उन्होंने एक महीना अगस्त महीने में पूरा एक महीना मुलाकात लेते समय ड्रेस कोड का पैसा बोल के 2,000 से 3,000 लोगों के पास से पैसा कलेक्ट किया था। कम से कम 900 लोगों का मुलाकात लिया है और इसमें से 2,000 से 3,000 से 25 या 30 लाख तक उन्होंने पैसा कलेक्ट करके ऑफिस बंद करके चले गए थे।